नमस्कार, मैं हूं ज्योति सागर और आप देख रहे हैं हापुड़ हलचल। उत्तर प्रदेश के कानपुर से तीन दहाड़े बदमाशों के द्वारा लूट की घटना का मामला सामने आया है, जहां बदमाशों को पुलिस का खौफ बिल्कुल भी नहीं है, सरेआम लूट की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। मामला कानपुर के भोगनीपुर कोतवाली क्षेत्र के कुसरजापुर मोड़ का है, जहाँ एक युवक बाइक पर सवार होकर पैसे लेकर बैंक में जमा करने जा रहा था, तभी बाइक पर सवार होकर आए बदमाशों ने युवक की आंखों में मिर्ची डालकर 2 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। पीड़ित युवक ने इस लूट की घटना की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंचे कानपुर देहात पुलिस अधीक्षक अनुराग वत्स भारी पुलिस बल के साथ और इस लूट की घटना की जांच में जुट गए। देखिए, आज भोगनीपुर क्षेत्र में एक सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति अपनी मोटरसाइकिल पे जा रहे थे और उन्होंने बताया कि उनको पीछे से किसी ने कहा कि उनके पैसे गिर रहे हैं और उनको ये धोखा हुआ, तो उन्होंने मोटरसाइकिल रोकी और उनका आरोप है कि उसके बाद उनसे पैसे छीन लिए गए, जिसमें कि उनका कहना है कि 2 लाख रुपए वो लेके जा रहे थे, तो उनकी आंखों में मिर्ची डाल के वो पैसे उनसे छीन लिए गए। तो सभी ऑफिसर्स यहाँ इस पूरे घटनास्थल की जांच कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं और घटना का अनावर का प्रयास किया जा रहा है और आसपास के लोगों से पूछताछ कर रहे हैं कि उन्होंने क्या देखा। तो अभी जो बात निकल के आ रही है उसमें थोड़ा सा बयानों में भिन्नता है, तो पुलिस इस पूरे घटनाक्रम को एज इट इज़ इसको पूरी समीक्षा कर रही है और हमने इसमें टीम गठित कर दी है और जो भी घटना में सच्चाई है जल्दी उसका अनावरण करके अवगत कराया जाएगा। अभी के लिए इतना ही, और भी खबरों के लिए बने रहिए।